किसका ज्यादा है? मेरा है साक्षी का। साक्षी का। तो फिलहाल गाइस फाइनली जो मेरा रिजल्ट है वो आ चुका है एंड तो मेरा परसेंटेज आया है कुछ तो सो ये व्हाट्सअप गाइस दिस इज आदित, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फिलहाल दिन के बज रहे हैं 7, डे थर्सडे और आज जाना है मुझे स्कूल। और अभी जस्ट मैं ब्रश वश करके आ चुका हूँ फ्रेश होके एंड अभी नहाया नहीं हूँ क्योंकि अभी नहाना भी है मुझको। और फिलहाल मौसम देखो आज पूरा हो रखा है बाहर कीचड़ कीचड़। वैसे मुझे बस से जाना है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बज रहे हैं 7, मेरी बस 7:30 बजेगी तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग नहा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, नहीं तो हो जाएगा मुझे तगड़ा वाला लेट, जाना पड़ेगा पैदल। नहीं फिर मैं काफ़ी गालियाँ खाऊंगा क्योंकि मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गया हूँ तो आज जाना ज़रूरी है मेरा। खाने में क्या बना दी? भिंडी की सब्जी, चपाती। दो दो आइटम बनाए आज। और पकौड़ी बनेगा। ओहो, सोने पे सजा का। ये रहा भिंडी और बन रहा है सब। ये देखो ये बनेगा अभी फिलहाल और पकौड़ी बनेगा। सो फिलहाल गाइस नहा के रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए एंड मेरे बैकग्राउंड में आपको मे बी वॉइस आ रही होगी भजन की। और एक खिड़की रेडी करके तो मिक्सर चल रहा था ना, कुछ मसाला वसाला पिस रहा था इसीलिए वो मिक्सर की आवाज़ आ रही होगी। और मेरे यहाँ देखो क्या सीन चलता है ना गाइस कि सुबह 6 बजे टीवी भजन चालू हो जाता है फिर उसके बाद 4 घंटे तक लगातार चलता है 10 बजे तक, क्योंकि 4 घंटा भजन आता है 4 घंटा लगातार चलता है, इस वजह से मेरे बैकग्राउंड में भजन की आवाज़ आती है और मिक्सर की नहीं आती यार, मिक्सर की पहली बार आ रही है, भजन की आती है बस। लो फिल लाइट आ गया, ये साला लाइट आ तो और 10 बार जाता है दिनों भर, पहले ठीक रहता सब जल्दी अच्छा है। बारिश ही ओए रिजल्ट आया, तो इसका कम नंबर आया, ये कुछ 30-20% के आसपास फेल है इसलिए नहीं बता सकती। तो देख लो मोबाइल चला रही, तो इसका रिजल्ट बढ़िया आया है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस खुशी में खुशबू दे दी भुट्टा लेके आए लोग। किसका ज्यादा है? मेरा है साक्षी। साक्षी का। अरे मैं भी पढ़ने में तेज हूं ऐसी बात नहीं। हाँ तुम और टैलेंटेड हो, तुम्हारे में और सारे फीचर्स हैं, साक्षी में उसको पढ़ने वाला है। ओके हाँ? आपके लड़के का इतना गंदा नंबर आया आपको कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा लग रहा है कुछ अब करके दिखाऊंगा। कुछ करेगा अपने जीवन में। साची तुम्हारा कितना आया? बता सही बता। चार आदमी के सामने तुम मिले तो लव नहीं था किस सर का लिंक यही रात अंतिम 4 2 3 1 2 9। तो फिलहाल गाइस फाइनली जो मेरा रिजल्ट है वो आ चुका है एंड तो मेरा परसेंटेज आया है कुछ तो मैं अभी नहीं आपको वीडियो को थोड़ा आखिरी में बताऊंगा, मतलब आखिरी में अभी बीच में बता देता हूँ। तो कुछ मेरा मतलब मैंने जितना लिखा था उतना मेरा आया है, ना कम आया ना ज़्यादा, मतलब मैंने जितना लिखा था जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मेरा आया है। तो फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ परसेंटेज बताने वाला हूँ, अगर आपको मतलब पूरा मेरा वो चाहिए जिसमें लिखा रहता है नंबर वंगर सब वगैरह जो लिखा रहता है ना, अगर वो पूरा चाहिए आपको तो आप वीडियो कमेंट करना और अगर इस वीडियो पे 1K भी आ गए तो अपना। तो फिलहाल गाइस मेरा रिजल्ट आ चुका है 10th का जिसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग थे बेकरार। तो मेरा परसेंटेज कुछ आया है तो मैं आपको अभी नहीं वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर आगे, तो रुको जरा सबर करो। एंड मैंने मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मेरा आया है क्योंकि मैंने जितना लिखा था मुझको पता था। और फिलहाल तो मेरा परसेंटेज अच्छा आया है, बेकार नहीं आया कुछ। तो मैं देखो मैं इस वीडियो में सिर्फ बताने वाला अपना परसेंटेज, अगर आपको मेरा पूरा चार्ट चाहिए मतलब किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है पूरा स्क्रीनशॉट में भर दूंगा यहाँ पे, तो उसके लिए अगर इस वीडियो पे 1 से 2K के बीच में व्यू आ गए ना तो मैं अपना पूरा शो कर दूंगा, ओपनली पूरा शो कर दूंगा और कमेंट भी आप लोग कर देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो, स्क्रीनशॉट में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो में सिर्फ परसेंटेज बताने वाला हूँ तो सिर्फ अभी वीडियो के बीच में अभी आपको मैं बताता हूँ कितना है। अच्छा है मेरा, बेकार नहीं आया, लेकिन साक्षी से मेरा कम है। तो साक्षी का कुछ आया है आई थिंक, कितना है रे तेरा ए कितना है? तो साक्षी दीदी का आया है 86 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, 86 पॉइंट आई थिंक
20 करके 86.20 यही कुछ है, मेरा उनसे कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है, मेरा भी अच्छा खासा परसेंटेज आया है तो वो भी आपको आगे बताऊंगा कितना आया है। ऐसे भी फिलहाल मैं खा रहा हूँ फ्राइड राइस, तो उसको खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी हमारे यहाँ हो रही है पार्टी, एक छोटा सा सेलिब्रेशन जो कि आया है मेरा परसेंट, इसी वजह से मतलब मेरा रिजल्ट आया है। एक्चुअली मेरे वजह से नहीं, साक्षी वजह से हो रही है क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा आया, थोड़ा नहीं इसका उतना ही आता है, लेकिन 12th में है इस वजह से हो रही है एक छोटी सी सेलिब्रेशन। तो अभी दिखाते हैं क्या हो रही है आपको सेलिब्रेशन। तो गाइस यहाँ हो रही है कोल्ड ड्रिंक पार्टी है माजा, और ये साथ में कुछ स्नैक्स और नमकीन जो कि साक्षी अकेले खा चुकी है। कैसा लग रहा है आपकी पुत्री का इतना ज़्यादा नंबर आया है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके बेटे का? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा है। क्या क्या आप बोल रही हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा? ये 40% से 76% पे आ चुका है। अच्छा जी, पिछली बार इसका 40% 72 था पिछली बार, 4 बढ़ गया। और इधर अभी चल रहा है वीडियो कॉल मौसी से। तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी, आपके भाई और बहन का इतना ज्यादा नंबर आया? हाँ, अच्छी बात है ना, वो लोग आपको हम लोग ने कहा था मंचूरियन बनाने के लिए, के लिए क्या लेके आए हैं ना उसका ढक्कन था, इसके लिए हम लोग कोई नहीं दूसरा लगाता ही नहीं, हम लोग ज्यादा थक गए थे, सामान भी नहीं लिया, नहीं खा लो लग लगाने को बहुत बार खाएगी यार, मैं तो पिया ही नहीं, मुझे मेरा भी हां देती हूं तुमको। तो गाइस अभी फिलहाल हमने किया है ताज होटल बुक क्योंकि हमारा है इतना अच्छा नंबर, तो सबके लिए पार्टी है पूरी सब्जी का दावत रखा है हमने, अंडा भी है, ताज नहीं सावन सबो सागन सावन चल रहा है, सावन चल रहा है, तो ताज होटल मुंबई के दादर में बुक किया है, तो आप लोग आ जाइएगा, पूरा ताज होटल अकेले बुक किया, पूरी सब्जी की पार्टी है आप लोग आ जाइएगा खाने वाने। बिल्कुल भर दीजिएगा बस। ओके तो गाइस अभी बात कर लेते हैं अपने रिजल्ट के बारे में फाइनल, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। तो दीदी का तो मैंने बता दिया, दीदी का है 86%। और देखो मैं अपना बात करता हूँ, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है मुझको कि लोगों के बाद 90% बंदों के बाद पता रहती है कि उनका रिजल्ट कितना आने वाला है। जैसे कि अब पिछली बार मेरा मान लो सपोज एक बंदा है, पिछली बार उसका 70% आया और उसको ये बात पता होगी पिछली बार मैंने कितनी मेहनत की थी, इस बार कितनी मेहनत की है और क्या कुछ लिखा है, और कोई तो लिखता नहीं, वही लोग लिखते हैं जिनका पेपर रहता है, तो ये बात उसको पता है मैंने कितना लिखा कितना मेहनत किया, तो उसको ये बात पता होगी कि मेरा परसेंटेज मैंने पिछली बार 1 घंटा पढ़ा था, इस बार भी 1 घंटा पढ़ा, वही स्ट्रेंथ मैंने यूज़ की, वही पावर यूज़ की, तो उसको ये पता होगा मेरा परसेंटेज 72 इतने के बीच में स्टे रहने वाला है। तो ये कुछ मेरा भी चीज था इतने के बीच में स्टे है, मैं भी बताता हूँ कितना मेरा। एंड देखो मैं कुछ मतलब ज़्यादा रिएक्शन दिखाना नहीं चाहता ओवर अपने ब्लॉग में, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, ओ भाई मेरा इतना नंबर आ गया अब क्या होगा, अब तो मुझे पढ़ाएंगे नहीं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा देंगे, ये वो फलाना ढमकाना, तो मैं ऐसा कुछ दिखाना, जो नेचुरल था मैंने दिखाया, जो कुछ भी रिएक्शन था और जितना कुछ हुआ मैंने दिखाया आपको। ओके सो गाइस एक्चुअली वहाँ थोड़ा नॉइज आ रहा था, बाहर काम चल रहा था ना, मैं विंडो में बैठ के शूट कर रहा था, तो ओवरऑल जो मेरा परसेंटेज है वो है 70%, मतलब 70। तो जो भी कुछ था मैंने आपको बता दिया, और देखो मैं ज़्यादा मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया ज़्यादा रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, जो भी कुछ नेचुरल था मैंने बताया, मतलब ये नहीं हो भाई कम आ गया, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है मेरा, और यही कुछ था। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। और चीज़ गाइस कई लोगों ने मुझसे कहा कि डेली ब्लॉग करो, तो मैं वो चीज़ नहीं समझ पा रहा था, बट मुझे लगा मुझे डेली ब्लॉग करना चाहिए, तो अब से मैं डेली ब्लॉग करूँगा, पहले भी करता था बट पहले पेपर वेपर की वजह से थोड़ा दिक्कत होता था, और यही कुछ थोड़ा अपना सीन उन रहता था, चोट भी लग गई थी बीच में मुझको इसी वजह से। कई लोगों ने मुझे कई बार कहा कि डेली ब्लॉग करो, बट मैं बुद्धू था मैं नहीं समझा, बट अब मैं डेली ब्लॉग करूँगा अपना रेगुलर बेसिस ब्लॉग। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, पसंद आए लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।